कौरव शिविर में जब भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा और कर्ण के द्वारा अपनी अपनी शक्ति का बखान दुर्योधन से किया था तो यह समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाकर कहा, भाइयों आज कौरवों की सेना में मेरे जो गुप्तचर हैं उन्होंने वहां का यह समाचार भेजा है। दुर्योधन ने भीष्म जी से पूछा था कि आप पांडवों की सेना का कितने दिनों में संहार कर सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा, एक महीने में। द्रोणाचार्य ने भी उतने ही समय में नाश करने की अपनी शक्ति बताई। कृपाचार्य ने अपने लिए इससे दूना समय बताया। अश्वत्थामा ने कहा, मैं 10 दिन में यह काम कर सकता हूँ। तथा जब कर्ण से पूछा गया तो उसने 5 दिन में सारी सेना का संहार कर सकने की बात कही। अतः अर्जुन, अब मैं भी इस विषय में तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। तुम कितने समय में सब शत्रुओं का संहार कर सकते हो? युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, मेरा तो ऐसा विचार है कि श्री कृष्ण की सहायता से मैं अकेला ही केवल एक रथ पर चढ़कर क्षण भर में देवताओं के सहित तीनों लोक और भूत भविष्य वर्तमान सभी जीवों का प्रलय कर सकता हूँ। पहले किरात वेशधारी भगवान शंकर के साथ युद्ध होते समय उन्होंने मुझे जो अत्यंत प्रचंड पाशुपतास्त्र दिया था वह मेरे ही पास है। भगवान शंकर प्रलय काल में संपूर्ण जीवों का संहार करने के लिए इसी अस्त्र का प्रयोग करते हैं। इसे मेरे सिवा न तो भीष्म जानते हैं और न द्रोण। कृप या अश्वत्थामा को ही इसका ज्ञान है, फिर कर्ण की तो बात ही क्या है। तथापि इन दिव्यास्त्रों से संग्राम भूमि में मनुष्यों को मारना उचित नहीं है। हम तो सीधे सीधे युद्ध से ही शत्रुओं को जीत लेंगे। इसी प्रकार आपके सहायक ये अन्यान्य वीर भी पुरुषों में सिंह के समान हैं। ये सभी दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता और युद्ध के लिए उत्सुक हैं। इन्हें कोई जीत नहीं सकता। ये रणांगण में देवताओं की सेना का भी संहार कर सकते हैं। शिखंडी, युयुधान, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, नकुल, सहदेव, युधामन्यु, उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, शंख, कठोत्कच, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा स्वयं आप भी तीनों लोकों को नष्ट करने में समर्थ हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि आप क्रोधपूर्वक किसी की ओर देख भी देंगे तो वह तत्काल नष्ट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से अर्जुन ने अपने तथा अपनी सेना के महारथियों के बल के बारे में युधिष्ठिर को बताया था। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।